हेलो गाइस, वेलकम टू अंदर फ्रेश एपिसोड। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज के वीडियो में आपको एक रियलिटी बताने वाला हूं मैं, और आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं जो कि आपके साथ हो रहा है और आपको बिल्कुल भी नहीं पता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होली वर्सेस इलेक्शन रैली, यानी कि सेलिब्रेशन वर्सेस इलेक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। यार, जब भी हमारा त्यौहार आता है ना, तो ये लोग नहीं पता कुछ ऐसा केस वेस बढ़ा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम कोई त्यौहार मना नहीं पाते हैं। एक इंसान जो पूरे साल भर काम करता है, उसे कुछ खुशी के लम्हे मिलते हैं, और वो ये होता है कि वो अपने परिवार के साथ खुशी मनाए, अपने आस पड़ोस लोगों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, त्यौहार मनाए अपने भाई बहनों के साथ, वो भी उसे नसीब नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता है पता है दोस्तों? वो कोई ये जो सीवी है उसके वजह से नहीं हो रहा है। कोड वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाके देखो मैं जो बोल रहा हूँ, ये सीवी के वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों इन नेताओं के वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों, जब भी कोई त्यौहार आता है, उसके पहले ये लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, नहीं तो कुछ एक्ट लगा देते हैं। छत्तीसगढ़ में 144 लगा हुआ है और होली का त्यौहार सामने में है। आप खुद सोचिए दोस्तों, होली का त्यौहार सामने में है और छत्तीसगढ़, नोएडा, जबलपुर, यहाँ पे 144 लगा हुआ है। आपका जो झारखंड है, वहाँ पे तो पब्लिक में होली खेलना भी मना है, पब्लिकली होली नहीं खेल सकते आप। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सीवी के वजह से हो रहा है ना। तो क्या इलेक्शन रैली में नहीं फैलता सीवी? इलेक्शन में जो इतने सारे लोग आप भीड़ कर रहे हो, रैली कर रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर कोई भी ले लो जो इलेक्शन का रैली कर रहा है, इतने लोगों को वो जमा कर रहा है एक साथ, वहाँ से सीवी नहीं फैल रहा है? अगर कोई सीवी है तो वो उन्हीं लोगों के वजह से फैल रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर कोई सीवी नाम का चीज़ है भी, क्योंकि हमने देखा है किसान आंदोलन में तो बिल्कुल ये नहीं फैला, लेकिन अगर कोई सीवी नाम का चीज़ है तो वहीं से फैल रहा है, ये वही लोग जिम्मेदार हैं इसको फैलाने के। और मैं आपको अभी एग्जांपल देने वाला हूँ, जिसके आपको समझ में आ जाएगा। दुर्गा पूजा के टाइम में याद होगा आपको, बिहार में इलेक्शंस हो रहे थे, बिहार में एक तरफ इलेक्शंस चल रहे थे, एक तरफ जोर जोर से चुनाव का प्रचार चल रहा था और चुनाव के लिए रैली हो रही थी, दूसरे तरफ यहाँ बंगाल या फिर दूसरे एरिया में देख लो, जहाँ पे दुर्गा पूजा में भीड़ नहीं बना सकते हम माता के दर्शन नहीं कर सकते, हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हमारा फेस्टिवल, ऐसा सिचुएशन लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन वहां पे चल रहा था ताबड़तोड़ इलेक्शन का रैली, इलेक्शन का प्रमोशन। उसी तरीके से फिर से आज एक और माहौल आ चुका है कि सामने होली है और हम होली नहीं मना सकते, हम आसपास के लोगों के साथ होली नहीं मना सकते, क्योंकि सरकार ने या तो कुछ जगह में LD लगा के रखा है या फिर कुछ जगह में 144 लगा के रखा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इससे केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए रोकने के लिए। तो भाई, बाकी समय कहाँ जाता है? जब इलेक्शन के रैलीज कराने रहते हैं और आपको सारी चीज़ें कराने रहते हैं, तब कहाँ जाता है आपका ये सीवी? तब गायब हो जाता है क्या? मतलब आपके फ़ायदे के लिए आप करेंगे और हमारे फ़ायदे के लिए हम कुछ ना करें? वैसे हमारा फ़ायदा नहीं, ये तो हमारा हक है, हमने देश को इसीलिए आज़ाद करवाया ताकि हम त्यौहार मना सके, हम फ्रीडम से रह सके। लेकिन आपके रूल, आपके रिस्ट्रिक्शन के चक्कर में हम लोग को दबे होकर रहना पड़ रहा है। मतलब हमने देश से अंग्रेज़ों को हटा दिया, मतलब अंग्रेज़ों से हमने अपने देश को आज़ाद करवा लिया, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पा ली, लेकिन काले अंग्रेज़ों से कब आज़ादी मिलेगा हमको? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। डॉक्टर विश्वरूप, डॉक्टर तरुण कोठारी, राजीव दीक्षित जी, अमर, ये लोग दोस्तों अगर होते ना, मतलब ऊपर में या फिर टॉप ऑर्डर में, या फिर तंजानिया के प्रेसिडेंट को ही आप ले लो जो चले गए, लेट प्रेसिडेंट जॉन मगफुली, ये सब लोग अगर टॉप में होते ना दोस्तों, आज देश का हालत कुछ और ही होता। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों, जब त्यौहार आता है तभी ये लोग का नाटक चालू हो जाता है, त्यौहार के पहले ये लोग सारा चीज़ करना चालू कर देते हैं, सब स्कैम ड्रामा इन लोगों का चालू हो जाता है। मतलब इलेक्शंस के रैली में कोई सीवी नहीं फैल रहा है और अभी त्यौहार आ रहा है तभी इन लोगों को ये सब चीज़ें करना है नाटक। अभी जुर्माना इसके ऊपर, फेस डाइपर के ऊपर भी जुर्माना चालू कर दिया है, कितना कुछ चालू कर दिया है दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो ना, तो आप एजेंडा 21-20-30 सर्च करके गूगल में देखो, और साथ में दोस्तों आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय, डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर विलास जगदले, डॉक्टर एंड्रू कॉफमैन, डॉक्टर शिवा अयादुराई, डॉक्टर राशिदे बुटार, डॉक्टर मीर कोला, इन सभी के बारे में आप गूगल में सर्च करके देखिए और इनके बारे में आप जानिए। डेविड आइक भी आप मत भूलिए, डेविड आइक के बारे में भी आप सर्च करके देखो, आपको बहुत सारे सच्चाई पता चलेंगी। ये सभी स्कैम को हमको ख़त्म करना है इस देश से, और ये तभी ख़त्म होगा जब आप जागेंगे। आप आज होली, आप होली नहीं मना पा रहे हो आज़ाद देश में, आप होली नहीं मना पा रहे हो, आप दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे हो, तो आप सोचिए 2030 तक तो लोग क्या क्या नहीं करना है, ये लोग आपको किस तरीके से करके रखेंगे। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जब एक
चिड़िया आज़ाद रहता है, चिड़िया पक्षी जब आज़ाद घूमता है उसको एक पिंजड़े में डाल देते हैं तो उस कैसे फड़फड़ाता है, जब एलडी लगता है तो आपके साथ भी बिल्कुल वैसा होता है, आपको पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, तो आप भी उसी तरीके से फड़फड़ाते हो। आप उड़ने के लिए बने हो, आप आज़ाद होने के लिए बने हो, आप काम पे जा रहे हो, आपको सीवी नहीं और आपको पता है, लेकिन फिर भी आप मीडिया चैनल्स के थ्रू ब्रेन वॉश हो रहे हो, फिर भी आप ये जो नेता लोग जो भाषणबाजी कर रहे हैं उसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो रहा है। इसलिए दोस्तों अभी जागोगे तो कुछ होगा नहीं, तो नहीं होगा, वापस से एलडी वेलडी लगेगा, फिर आप का जिंदगी वापस से नर्क बनने वाला है, जिसमें जैसे एक साल पहले हुआ था। एक साल हो गया दोस्तों, पहले ये लोगों ने बोला कि वैक्स आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैक्स आएगा तो और कंडीशन वर्स्ट हो गया मुझे तो लग रहा है। इसलिए हमको वैक्स भी नहीं चाहिए, ना हमको एलडी चाहिए, हमको हमारा पुराना जिंदगी वापस चाहिए, हमें त्यौहार मनाने का हक है और हम त्यौहार मनाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो सही लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो वीडियो को। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि लाइक करने से वीडियो रैंक करता है, वीडियो आगे जाता है। और कमेंट करो अपने ओपिनियन। अरे मूर्ख लोग, नए लोग तब जागेंगे जब आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग वीडियो देखते हो और चले जाते हो। जितना भी सच्चाई पता है आपको सीवीवीवी के बारे में, वो कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो जो बंदा है आता है पहले वीडियो देखता है, उसको सच्चाई तभी पता चलती है जब वो कमेंट सेक्शन की तरफ जाता है, लेकिन आप लोग तो कुछ कमेंट करते ही नहीं हो। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो ताकि 100 लोग जागे, ताकि 200 लोग जागे, ताकि 1000 लोग जागे, ताकि लाखों लोग जागे और एक फ्रीडम जो हमें आज़ादी था हमारा पुराना वो हमें वापस मिले। जय हिंद।